नेक्स्ट हमारा चार्ट है कॉम्बो चार्ट। सो कॉम्बो चार्ट का यूसेज मैंने देखा है खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत होता है, जहां पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को साथ में कंसिडर करते और ये भी जानना चाहते हैं कि उसका इबिट्टा मार्जिन या ग्रॉस मार्जिन या पैट मार्जिन कितना है। तो उसके अंदर लाइन चार्ट आ जाता है और कॉलम चार्ट आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपेरिजन सम ऑफ सेल्स है और ये आपका जो ब्लू बार है वो सेल्स दिखा रहा है, छोटा ब्लू बार है जो डार्क नेवी कलर है वो आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये आपका मार्जिन दिखा रहा है जो मैं आपको बताऊं कैसे कैलकुलेट होता है राइट। और उसके हिसाब से ट्रेंड मालूम पड़ा कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहा है पैट इंक्रीज की तरह से पैट है और उसके ऊपर मार्जिन कितना मिल रहा है राइट। सो पैट मार्जिन कितना है, तो बिजनेस काफी आसानी से जो बिजनेस मैनेजर है वो डिसीजन ले सकते हैं सीएफओ है कि भाई ओवरऑल हमारा मार्जिन कितना है और कितना मेंटेन रखना है, कहां से हम कहां तक आए हैं राइट। इसको हम लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं, तो मैं ले चलता हूं यहां आपको अपने स्क्रीन पे कॉम्बो चार्ट। सो कॉम्बो चार्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है, ऑर्डर डेट है जो मंथ है, कॉलम वाई एक्सिस के अंदर में सम ऑफ सेल्स सम ऑफ प्रॉफिट एंड पैट मार्जिन जो मैं आपको बताऊंगा मेजर क्रिएट करके किया गया है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, वो हम इसको छोटा कर देते हैं और कॉम्बो चार्ट आपको यहां से मिल जाएगा। ये आपका कॉम्बो चार्ट है राइट। सो कॉम्बो चार्ट में यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑर्डर डेट आ जाएगा, मैं क्या करता हूँ इसको एक्स एक्सिस में डाल देते हैं, डेट तक आ गया, डे चाहिए डेट तक जो भी आपको, यहाँ पे मैं सेल्स डाल देता हूँ, सेल्स हमारा ये रहा वाई एक्सिस पे। अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा पैट भी डाल दूंगा, पैट सॉरी इसके अंदर प्रॉफिट लिखा है, ये पैट लिखा प्रॉफिट लिखा हुआ है प्रॉफिट राइट। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो प्रॉफिट है मैं इसको ले आता हूँ, इसी कॉलम वाई एक्सिस में आपको डालना है राइट। सो आपका देखेंगे प्रॉफिट भी क्रिएट हो गया। अब आपका सेकेंडरी लाइन वाई एक्सेस है तो आपको यहाँ पे पैट मार्जिन डालना पड़ेगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है राइट। यहाँ पे पैट मार्जिन है, इसको मैं क्या करता हूँ लाइन वाई एक्सेस पे डालता हूँ राइट। ये पैट मार्जिन आप देखो तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक मेजर है जहाँ पे फॉर्मूला हमने क्रिएट करके रखा है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये कैसे लिखते हैं राइट, अभी नहीं सिखाऊंगा राइट। तो ये पैट मार्जिन मैंने दिखा दिया, अब इसको उसकी तरह दिखाना है आपको सेम टू सेम, मैं इसको कर देता हूँ उसकी तरह राइट, सेम उसी की तरह हो गया। डेटा दिखाना, डेटा पे क्लिक करो, डेटा आपको दिख जाएगा, डेटा लेबल ऑन करो जिसका करना है तो आपको सेम वैसा क्रिएट हो जाएगा। ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत यूसेज होता है राइट, ईयर वाइज क्वार्टर वाइज जो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि और भी इसको मैं ड्रिल डाउन फर्दर कर सकता हूँ, आई थिंक डे पे भी आ जाएगा क्योंकि डेली डेटा है, लेकिन ये पूरे साल का आ गया तो मुझे सिर्फ 2011 का देखना है, तो मैं 11 पे क्लिक करके सिर्फ 11 का देख सकता हूँ राइट। लेकिन डेली का मोस्टली नहीं देखते कंपनी में, क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, तो आपको इसको क्वार्टरली रखना पड़ेगा या मंथली रखना पड़ेगा।